चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ ट्रेडर मार्कअप इन हीज गुड बाय 120% एंड ऑफर 30% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹750। यानी एग्जामिनर कह रहा है कि बस उसके पास एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल की कीमत ₹750 है, वो उस पर अंकित करता है अपना मूल्य, यानी प्राइस लिखता है उस पर 120% अबाउ। यानी इसका 120% निकाल के इसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास में मार्क प्राइस आ जाएगा, यानी कि 220 बाय में अगर मैं इसे 100 कर दूंगा तो मेरे पास में ये मार्क प्राइस आ जाएगा, यानी अंकित मूल्य। अब मुझे अंकित मूल्य मिल गया तो वो बेच कितने में रहा है इसको, 30% के डिस्काउंट देने पे। यानी कि अगर ₹100 मेरे पास मार्क प्राइस होता तो उसका मैं 30% निकालता और उस 30% निकालता तो ₹30 था, 100 में से ₹30 माइनस करता, ₹70 मेरे पास में क्या था, सेलिंग प्राइस देता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसका 70% निकाल दूंगा तो मुझे रिमेनिंग वैल्यू मिल जाएगी। इससे मेरा ये और ये चल जाएगा, आपका 25 × 3 = 75 होगा और 25 × 4 = 100 होगा। तो 2 से ये मेरे पास 35 हो जाएगा आपका, और 2 से मेरे पास में 11 होगा, तो ये कितना होगा 35 और ये आपका 35 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 5, 8 और 3 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 5 × 3 = 15 होगा, 8 × 3 = 24 = 25 होगा, 3 × 3 = 9 और 2 = 11 होगा। यानी उसने जो बेची होगी अपनी वस्तु वो ₹1155 बेची होगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो आपको ऐसा ही करना, जब भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही करेंगे। एक बार इसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरे पास में आपका ₹100 है, तो उस पर जो अंकित मूल्य लिख लेगा लिखेगा, यानी मार्क प्राइस जो लगाएगा वो उस पर टैग लगाएगा, वो बी 120% अबाव का लगाएगा। तो इसका 120% निकालूंगा तो ₹120 आएगा, इसमें ₹120 जोड़ूंगा तो ₹220 जो होगा उसका वो मार्क प्राइस होगा। अब वो उसे बेचना चाहता है कितने में आपका, 30% के डिस्काउंट में। इसका 30% निकाल के इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास सेलिंग पर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट इसका मैं 70% निकाल दूं, 70% निकालूंगा तो 154 रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। ऐसे देखिए 220 × 70 बाय में अगर मैं 100 करूंगा तो ये मेरे पास में 154 आएगा। बट एग्जामिनर ने जो मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ₹750। इस 100 को 750 बनाए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15/2 से। अगर नहीं पता लगा तो इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दे, जिससे मल्टीप्लाई किया इससे मल्टीप्लाई कर दे इसे 15/2, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 77/15, तो मल्टीप्लाई करूँ तो 5 × 7 = 35, 35 और 3 = 38 होगा आपका। फिर ये कितना होगा 77, इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना होगा आपका, 5 × 7 = 15, ये कितना हो जाएगा, 7 × 10 = 11, 1155। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।